सुंदरी को पता चलता है कि वो दोपहर की धूप में गहरी नींद सोई है। तो हमला करने के लिए ये समय परफेक्ट है। टाइगर्स 3 किलोमीटर की दूरी से भी आवाजों को सुन सकते हैं, ऐसे में सुंदरी के आगे बढ़ने की आवाज नहीं होनी चाहिए। अपनी सोती हुई बहन की ओर बढ़ते हुए सुंदरी फूंक फूंक कर कदम रखती है। कृष्णा भी सरेंडर कर देती है। बगानी की ही तरह ये भी अपनी डोमिनेंट सिस्टर के आगे हार